और चलिए आपको जागरूक करने वाली इस अहम खबर के बाद, इन दो तस्वीरों को दिखाने के बाद कुछ और तस्वीरों की ओर हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। यह मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात होगी और कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसका लोकार्पण कल 20 अक्टूबर को होने जा रहा है। लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से वर्चुअली करने वाले हैं। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल उपस्थित रहेंगे। ये तैयारी है रीवा को मिलने वाली बड़ी सौगात की। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को बनारस से रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट पर ही कार्यक्रम होगा जिसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। रीवा की चोरहटा हवाई पट्टी का विस्तार कर रीवा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को हुआ था। इसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। 1.5 लाख में ही रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि अब विंध्य के विकास को नए आयाम मिलेंगे। रीवा विंध्य के लिए ऐतिहासिक दिन होगा जब रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। लंबे समय से हम लोग सुन रहे थे कि हमारे क्षेत्र का विकास एयरपोर्ट न होने के कारण बाधित होता है। 78 के बाद, 1978 के बाद मध्य प्रदेश में कोई नया एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कल हो रहा है। तो आप सोचिए, 22 साल हुए और 24 साल ये, 46 साल बाद मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी हम देखें, विंध्य क्षेत्र का तो बहुत बड़ा फायदा है ही, लेकिन मध्य प्रदेश की दृष्टि से 46 साल बाद कोई नया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है जिसमें देश की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उससे पहले सीएम यादव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी बैठक की भी समीक्षा करेंगे जी। यहाँ पर 2 बजे आ जाएंगे और 2 से 3 वो जो 23 तारीख को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, तो स्थानीय जो उद्योगपति हैं और हमारे संभाग के जो उद्योगपति हैं उनसे 1 घंटे की वो बैठक करेंगे। कुल मिलाकर 20 अक्टूबर का दिन रीवा के लिए ऐतिहासिक होगा। एयरपोर्ट की शुरुआत होने से रीवा, भोपाल, खजुराहो और लखनऊ के बीच सीधी एयर कनेक्टिविटी होगी। इससे विंध्य पर्यटन के साथ हर क्षेत्र में उड़ान भरेगा। रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, सभी के स्वागत में जो है यहाँ पर तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से की जा रही है। रीवा को एयरपोर्ट के रूप में काफ़ी बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही है। रीवा एयरपोर्ट ना सिर्फ शिक्षा, पर्यटन, उद्योग बल्कि कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफ़ी कुछ रीवा को मिलने वाला है। कैमरामैन संजीव पाठक के साथ अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज़ रीवा।